हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट काफी इंटरेस्टिंग और बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट तो ये सब्जेक्ट इस समय डिस्कस कर रहे हैं एंड इस सब्जेक्ट पे आज मेरा आठवां लेक्चर वीडियो है एंड आज के इस लेक्चर से हम जो नेक्स्ट चैप्टर है का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आज के का नाम है तो लेक्चर वीडियो में और आने वाले हम डिस्कस करेंगे ठीक है पर उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताना चाहती हूँ कि जो पिछले हमारे सेवन लेक्चर वीडियो थे उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया तो मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ अबाउट इन्वेस्टमेंट अबाउट स्पेकुलेशन दोनों में क्या डिफरेंस है ये डिस्कस किया इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस क्या है तो ये सब हमने डिटेल में समझा उसके साथ ही मैंने सिक्योरिटीज के बारे में भी आपको बताया सिक्योरिटीज क्या होती है कितने टाइप की होती है एंड हमने देखा डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटी होती है जैसे इक्विटी शेयर है स्वेट इक्विटी शेयर है नॉन वोटिंग शेयर है राइट right शेयर है बोनस शेयर है प्रिफरेंस शेयर है एंड डिवेंचर तो हमने ये डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज भी पढ़ी ठीक है एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे ठीक है आज हमें पढ़ना है अबाउट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट कितने टाइप के होते हैं तो हम इसे पढ़ेंगे मेजर जो है इन्वेस्टमेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है एक होता है निगोशिएबल सिक्योरिटीज और एक होता है नॉन निगोशियेबल सिक्योरिटीज ठीक फिर उसके बाद हम देखेंगे निगोशिएबल सिक्योरिटी अब दो टाइप की है एक है वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी और एक है फिक्स इनकम सिक्योरिटी तो ये दोनों क्या होती है इनके जितने भी कंपोनेंट हैं जितने भी एग्जाम्पल हैं उनको डिटेल में समझेंगे ठीक है जैसे वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी में आता है आपका इक्विटी शेयर फिक्स इनकम सिक्योरिटी में आता है आपका प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स केवीपीज आईवीपीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे ट्रेजरी बिल हुआ कॉमर्शियल पेपर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट तो ये सब हमें डिटेल में पढ़ना है फिर उसके बाद मैं नॉन निगोशियेबल सिक्योरिटीज के बारे में आपको बताऊंगी और इसके जितने कंपोनेंट है ना जितने डिपॉजिट्स हैं पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट बैंक डिपॉजिट्स एनबीएफसी डिपॉजिट्स एंड ये जो सेविंग स्कीम्स होती है टैक्स शेल्टर वाली जो सेविंग स्कीम्स होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे लाइफ इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड के बारे में पढ़ेंगे तो ये सब है नॉन निगोशियेबल सिक्योरिटीज ठीक एंड उसके बाद एक तीसरी कैटेगरी भी है इन्वेस्टमेंट की एक तीसरी कैटेगरी भी है वो क्या है रियल एस्टेट जिसको हम नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं ठीक है तो उसके बारे में हमें फिर पढ़ना है तो ये सारे टॉपिक हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं तो चलिए फिर देर नहीं करते हैं जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट तो सबसे पहले तो सवाल आता है कि इन्वेस्टमेंट कितने टाइप का होता है तो देखिए ये मैंने एक डायग्राम के थ्रू यहां पे समझाया है सबसे पहले जो कैटेगरी है इसको दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है पहला है निगोशिएबल सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट को अगर डिवाइड करें तो दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं पहला क्या है निगोशिएबल सिक्योरिटीज दूसरा क्या है नॉन निगोशियेबल सिक्योरिटीज ठीक निगोशिएबल सिक्योरिटीज में आता है आपका वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज निगोशिएबल सिक्योरिटी में आता है आपका वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी एंड फिक्स इनकम सिक्योरिटीज ठीक है तो ये हो गया निगोशियेबल सिक्योरिटीज में फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं ठीक अभी ये सब क्या होता है ये अभी मैं बताऊंगी फिलहाल मैंने ये एक डायग्राम के थ्रू कितने सारे टॉपिक हमें पढ़ने हैं ये अभी आपको इस डायग्राम के थ्रू शो कर रही हूँ पहले हम निगोशियेबल सिक्योरिटी पढ़ेंगे एंड नॉन निगोशियेबल सिक्योरिटी पढ़ेंगे निगोशिएबल में दो आते हैं वेरेबल इनकम सिक्योरिटी फिक्स इनकम सिक्योरिटी फिर वेरेबल इनकम सिक्योरिटी में एक आता है इक्विटी शेयर फिक्स इनकम सिक्योरिटी में ये सब आते हैं शेयर डिवेंचर बॉन्ड आईवीपी गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल जो अभी आपको बताया था लास्ट स्लाइड में एंड नॉन निगोशियेबल सिक्योरिटीज में आपके सारे डिपोजिट्स आते हैं म्यूचुअल फंड लाइफ इंश्योरेंस टैक्स सेविंग स्कीम्स ये सब आती है ठीक और एक अलग कैटेगरी है कौन सी नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इसकी में आपके रियल एसेट आते हैं गोल्ड सिल्वर ठीक है तो ये एक डायग्राम के फॉर्म में मैंने आपको शो किया है ठीक एग्जाम में पूछा जाए टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट तो इस तरीके से आप ये डायग्राम के फॉर्म में ऐसे बाइफरकेट करके ऐसे शो करेंगे इनके बारे में लिखना तो है ही बट आप इस तरीके से इसको शो भी करेंगे राइट चलिए आगे बढ़ते हैं अब एक एक करके इनके बारे में हम पढ़ेंगे ठीक सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है तो मैं बता दूं जब ये सब्जेक्ट जो है एस का सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का जब सब्जेक्ट मैंने स्टार्ट किया था तो लेक्चर वन में जो सबसे पहली स्लाइड थी लेक्चर वन की सबसे पहली स्लाइड में मैंने इन्वेस्टमेंट के बारे में ही बात की थी कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या होता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड जब हम फंड को इंप्लॉय करते हैं फंड को लगाते हैं ऑन एसेट्स एसेट्स पे ताकि जिसका एम क्या होता है एम होता है कि हम कुछ अर्न कर सके हमारा जो कैपिटल है उसमें कुछ एप्रीशिएशन हो सके तो इस पर्पज से जब हम पैसे लगाते हैं अपने फंड को लगाते हैं एम्प्लॉय करते हैं कहीं पे लगाया जाता है किसी एसेट में तो उसी को कहा जाता है इन्वेस्टमेंट समझ में इन्वेस्टमेंट क्या है इंप्लॉयमेंट ऑफ फंड फंड को इम्प्लॉय करना किसी एसेट में लगाना किसी एसेट में ताकि कुछ इनकम हो सके ताकि हमारा जो कैपिटल है उसमें एप्रिशिएशन हो सके तो दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट इसी को इन्वेस्टमेंट कहते हैं ठीक अब ये जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज होती है इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं एक होता है निगोशिएबल सिक्योरिटी एक होता है नॉन निगोशियेबल सिक्योरिटीज ठीक फाइनेंशियल सिक्योरिटी को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं एक होता है निगोशिएबल एक होता है नॉन निगोशियेबल सिक्योरिटी निगोशिएबल सिक्योरिटी नाम से ही समझ में आ रहा है निगोशियेबल सिक्योरिटी यानी वो सिक्योरिटी जिसकी ओनरशिप क्या है इजिली ट्रांसफरेबल होती है फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी ठीक है निगोशिएबल सिक्योरिटी यानी वो सिक्योरिटी इसमें जनरली शेयर्स वगैरह आते हैं या बॉन्ड डिबेंचर आते हैं वो सिक्योरिटी जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी को इजिली ट्रांसफर की जा सके ठीक है निगोशिएट करके ट्रांसफर की जा सके दैट इज निगोशिएबल सिक्योरिटी बेसिकली निगोशिएशन क्या है निगोशिएशन मतलब एक प्राइस जो फिक्स हो जाए उस पर बेचना ठीक तो नाम से ही समझ में आ रहा है निगोशिएबल सिक्योरिटी यानी वो सिक्योरिटी जिसकी ओनरशिप ईजिली ट्रांसफरेबल हो जाए ठीक है एक बार स्क्रीन क्लियर करती हूँ तो निगोशियबल सिक्योरिटी यानी वो सिक्योरिटी जिसकी ओनरशिप ईजली ट्रांसफर हो जाए एक पार्टी से दूसरी पार्टी एक पार्टी से दूसरी पार्टी पार्टी ऐसे बनाती हूँ एक पार्टी से दूसरी पार्टी जो सिक्योरिटीज इजिली ट्रांसफरेबल हो जाए दैट इज निगोशियबल सिक्योरिटी अब निगोशिएबल सिक्योरिटी में दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं एक आता है वेरेबल इनकम सिक्योरिटी एक आता है फिक्स इनकम सिक्योरिटी ठीक वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी यानी वो देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है वेरिएबल इनकम यानी वो सिक्योरिटी वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी ना यानी वो सिक्योरिटी जिसकी इनकम क्या है वेरिएबल है यानी जिसकी जिस पे जो इनकम है वो वेरी करती है जैसे एग्जांपल के लिए इक्विटी शेयर ठीक फिक्स इनकम सिक्योरिटी क्या होगी नाम से ही समझ में आ रहा है फिक्स इनकम सिक्योरिटी यानी वो सिक्योरिटी जिसकी इनकम क्या हो फिक्स हो ठीक है वो सिक्योरिटी जिसपे जो इनकम मिल रही है वो फिक्स हो दैट इज फिक्स इनकम सिक्योरिटी जैसे बॉन्ड फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है डिवेंचर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है इंदिरा विकास uh, पत्र किसान विकास पत्र इन सब पे ये सब क्या है इनकम इनकम सिक्योरिटी इन पे जो तो है है वो समझ में आ गया तो निगोशिएबल सिक्योरिटी दो कैटेगरी में निगोशिएबल जो सिक्योरिटी है दो कैटेगरी वेरिएबल एंड फिक्स वेरिएबल में आता है आपका इक्विटी शेयर फिक्स में आपके ये सब आते हैं ठीक यहां तक समझ में आ गया अब बात करते हैं नॉन निगोशियबल सिक्योरिटी नॉन निगोशियबल ठीक है यानी नाम से ही समझ में आ रहा है वो सिक्योरिटीज दैट कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी वो सिक्योरिटीज जिसको आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं ठीक है जो नॉन ट्रांसफरेबल हो वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जो नॉन ट्रांसफरेबल हो जिसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं जो नॉन स्क्रूटनाइज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होते हैं वो सब इसमें आते हैं नॉन निगोशियेबल सिक्योरिटी में जैसे एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल क्या है डिपोजिट स्कीम ठीक है चाहे बैंक में डिपोजिट आपने रखा है पोस्ट ऑफिस में रखा है या कंपनी में डिपोजिट किया या एन जो होते हैं ना एनबीएफसी का फुल फॉर्म जानते हैं ना एन बी एफ सी एन मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है या जो पीपीएफ वगैरह है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है एन है ठीक है तो ये सब किस में आएंगे नॉन निगोशियेबल सिक्योरिटी क्या आपने अगर कोई एफ कराई है तो क्या आप FD दूसरे के नाम पर ट्रांसफर ऐसे कर सकते हैं नहीं आप उसको रिडीम कराइए फिर दूसरे के नाम पे वो नई खुलेगी आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं जबकि जो शेयर हुआ ठीक है डिबेंचर हुआ बॉन्ड हुआ ये सब क्या होता है आप आप बेचिए दूसरा खरीदेगा ठीक है तो ट्रांसफरेबल है इजिली ट्रांसफरेबल है लेकिन नॉन निगोशियेबल सिक्योरिटी क्या है नॉट ट्रांसफरेबल ये दूसरी पार्टी को ट्रांसफर नहीं की जा सकती है तो दैट इज नॉन निगोशियेबल सिक्योरिटी ठीक तो ये हमने टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने देखा अब इसमें एक तीसरी कैटेगरी भी है एक तीसरी कैटेगरी भी है तो इसीलिए मैंने देखिए यहां पे येलो से अलग से हाईलाइट किया है देखिए ये जो है ना ये फाइनेंशियल सिक्योरिटीज हैं ठीक बट ये जो तीसरी कैटेगरी है ना ये नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है दीज आर नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट तो ये भी एक कैटेगरी है नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट तो नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट ठीक है देखिए नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट इसमें किया जाता है च डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम इट्स फिजिकल ट्रेड इसका क्या मतलब है देखिए नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट अभी तक आपने जितने भी इन्वेस्टमेंट देखा वहां पर देखा था आपने सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट हो रहा था मतलब शेयर में डिबेंचर में बॉन्ड में एफ डी में म्यूचुअल फंड में इंश्योरेंस में ठीक है इन सब में इन्वेस्टमेंट हो रहा था तो वहां पर सिक्योरिटीज थी लेकिन यह है नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इसका मतलब क्या है यहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं एसेट्स में उन एसेट्स में आप बोलेंगे एसेट तो शेयर्स भी हैं हाँ ये वो भी एसेट्स हैं लेकिन नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में उन एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है विच डिराव इट्स वैल्यू फ्रॉम इट्स फिजिकल ट्रेड यानी जो अपने फिजिकल ट्रेड अपने ढांचे अपने फिजिकल स्ट्रक्चर की वजह से जिनकी वैल्यू होती है उन्हें उनमें जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उनको कहा जाता है नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जैसे मकान में दुकान में गोल्ड में सिल्वर में एंटीक में गाड़ी में तो ये सब क्या है नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ठीक है आपने जो रियल एस्टेट मकान में गोल्ड में सिल्वर में ये एंटीक में आर्ट्स में प्रॉपर्टी में इन सब में जो इन्वेस्टमेंट किया है ये क्या है नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बेसिकली इन्वेस्टमेंट उन एसेट्स में जिनकी वैल्यू उन एसेट्स में वो एसेट जो अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं कहाँ से बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल ट्रेड ठीक सिक्योरिटीज में कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है देखिए सिक्योरिटीज तो आजकल वैसे भी सब कुछ डीमैट फॉर्म में है डिमेट्राइज फॉर्म में है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है वैसे भी सिक्योरिटीज तो उनका कोई स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है लेकिन जो नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट इन दोज एसेट जिनकी वैल्यू क्यों है क्योंकि उनके फिजिकल ट्रेड्स के कारण गोल्ड की वैल्यू क्यों है क्योंकि वो गोल्ड है सिल्वर है डायमंड है ठीक है रियल एस्टेट मकान है दुकान है तो उनकी फिजिकल स्ट्रक्चर है ना तो उसकी वजह से उनकी वैल्यू तो इस टाइप के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो होते हैं नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ठीक तो मैंने काफी कुछ बता दिया इन्वेस्टमेंट क्या होता है कितने टाइप का होता है ठीक आगे बढ़ते हैं अब हम बात करेंगे एक एक करके जो इतने सारे कंपोनेंट डिस्कस किए थे ना अब एक एक करके उन कंपोनेंट पे डिस्कस करेंगे पहले हम बात करते हैं निगोशिएबल सिक्योरिटीज की निगोशिएबल सिक्योरिटीज ठीक है यानी वो सिक्योरिटीज विच आर इजिली ट्रांसफरेबल ठीक है वो सिक्योरिटीज जो इजिली ट्रांसफरेबल हो तो निगोशिएबल सिक्योरिटीज में मैंने बताया था इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं एक आता है वेरेबल इनकम सिक्योरिटीज और एक आता है फिक्स इनकम सिक्योरिटीज ठीक वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज एंड फिक्स इनकम सिक्योरिटीज तो वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज क्या होती है वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी बेसिकली इसमें क्या आता है बताया था ना वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी यानी वो सिक्योरिटी जिनकी जिन पे इनकम क्या है वेरिएबल है वो सिक्योरिटीज जिनकी इनकम क्या है वेरिएबल है जो वेरी करती है कभी कम कभी ज्यादा ठीक है तो इसका एग्जाम्पल क्या है इक्विटी शेयर तो वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी में क्या आता है इक्विटी शेयर तो शेयर तो पिछले लेक्चर में भी पिछले के पिछले लेक्चर में भी, भी बहुत डिटेल में पढ़ा है शेयर तो शेयर तो जानते हैं ना तो इक्विटी शेयर जो है इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी ठीक शेयर तो जानते हैं ना कंपनी को फंड रेज करना है मार्केट से कंपनी को फंड रेज करना है तो कंपनी फंड रेज कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ शेयर इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर कंपनी फंड रेज कर सकती है शेयर क्या होता है जो पूरा कैपिटल है कंपनी का व्हेन इट इज डिवाइडेड इनटू इक्वल यूनिट्स इक्वल नॉट यूनिट इक्वल डिनोमिनेशन या इक्वल वैल्यू में जब डिवाइड करते हैं देन ईच यूनिट इज कॉल्ड शेयर हर एक यूनिट को क्या कहा जाता है शेयर एंड इक्विटी शेयर इज वेरी पॉपुलर जो इक्विटी शेयर है ये बहुत पॉपुलर है आप जानते हैं सभी लोग मतलब ऑलमोस्ट मतलब काफी लोग शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ठीक है करते हैं तो शेयर्स आर वेरी पॉपुलर बहुत पॉपुलर है बहुत पॉपुलर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है अब बात करें कि कितने टाइप के शेयर्स होते हैं जो शेयर हैं वो कितने टाइप के होते हैं इक्विटी शेयर कितने टाइप के होते हैं वैसे अगर मैं बात करूं शेयर कितने टाइप के होते, है तो होते हैं तो शेयर दो टाइप के होते हैं इक्विटी शेयर प्रिफ्रेंस शेयर बट यहाँ पे इक्विटी शेयर की बात हो रही है ना तो इक्विटी शेयर कितने टाइप के होते हैं तो ये पांच टाइप के होते हैं ठीक है कौन कौन से ग्रोथ शेयर इनकम शेयर स्पेकुलेटिव शेयर डिफेंसिव शेयर साइक्लिकल शेयर ठीक है ये बात समझ में आई इक्विटी शेयर कितने टाइप के होते हैं वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल क्या है इक्विटी शेयर वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी में आता क्या है इक्विटी शेयर आता है एन इक्विटी शेयर के टाइप की बात करें तो ये पांच टाइप के होते हैं कौन कौन से ग्रोथ शेयर इनकम शेयर स्पेकुलेटिव शेयर डिफेंसिव शेयर साइक्लिकल शेयर तो ये होते हैं डिफरेंट टाइप के शेयर अब इनकी डिटेलिंग ये क्या होते हैं इनके एग्जाम्पल अब हम आगे पढ़ेंगे ठीक है तो चलिए फिर आपको बताती हूं अब ये शेयर होते क्या है राइट right? लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में मेरा फर्स्ट चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से मेरा सेकंड चैनल है पूजा सिंह के नाम से तो मैं अपने चैनल के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहती हूँ ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी दिसंबर 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल और अपने सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूं अगर आपको ये लेक्चर्स देखने हैं तो मेरे चैनल पे जाके प्ले चेक कर सकते हैं वहां पे सब्जेक्ट की वीडियो अपलोडेड है इसका फायदा उठाइएगा इसकी हेल्प से पढ़िएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी प्लीज जरूर शेयर किया करिए ठीक है एंड चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरे दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अगर नोट चाहिए मेरे चैनल के दे यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए अकाउंटिंग मास्टर क्लास अंडर स्कोर ऑफिशियल के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है तो वहां पर भी फॉलो कर लीजिए एंड प्लीज लेक्चर यूजफुल लगे तो लाइक जरूर करिए इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है एंड कमेंट करके भी मुझे जरूर बताइएगा कि आप किस कोर्स के हैं ठीक है या आप अगर प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं तो किस कॉम्पिटिशन uh, की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इससे मुझे हेल्प मिलती है कि मैं अपना अगला लेक्चर उसके अकॉर्डिंग प्लान कर पाती हूँ ठीक है तो जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा और ये लेक्चर कैसा था इसके बारे में भी बताइएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम देखते हैं इक्विटी शेयर कितने टाइप के होते हैं तो बताया था पांच टाइप के होते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे इनकम शेयर्स सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे इनकम शेयर्स इनकम शेयर्स क्या होते हैं इनकम शेयर बेसिकली देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है इनकम शेयर्स यानी वो शेयर जिन पे एक रेगुलर इनकम बनी हुई है यानी अगर मेरे पास ये इनकम शेयर है इसका मतलब क्या है कि ऐसी कंपनी के शेयर जिनका जो कह लीजिए ऑपरेशन है वो स्टेबल है यानी उनका काम धंधा कह लीजिए स्टेबल है बढ़िया ग्रोथ हो रही है मेरी एक रेगुलर इनकम उस शेयर से बनी हुई है तो दैट इज कॉल्ड इनकम शेयर ये बात समझ में आई इनकम शेयर क्या है इनकम शेयर बेसिकली उन कंपनीज के शेयर जो कंपेटेवली जिनका स्टेबल ऑपरेशन है जिनका काम बहुत ज्यादा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसा नहीं होता है जिनका काम जो है बराबर एक उपर, स्टेबल ऑपरेशन इनका बना हुआ है एंड जिनकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो है एक लिमिटेड है मतलब चल रहा है अच्छी ये कंपनी परफॉर्म करती है जो इन्वेस्टर है जो शेयर होल्डर है उसकी एक रेगुलर इनकम बनी रहती है तो ऐसे शेयर को कहा जाता है इनकम शेयर इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बैंकिंग शेयर है जो बैंकिंग है वो जो सेक्टर है ना उसका जो ऑपरेशन कहेंगे वो एक स्टेबल ऑपरेशन है चाहे इकोनमी ऊपर रहे नीचे रहे बैंकिंग ऑपरेशन ऑलमोस्ट बराबर एक फेज में चलता ही रहता है बैंक की तो जरूरत हमेशा ही पड़ेगी फाइनेंस की जरूरत हमेशा ही पड़ेगी ठीक है तो बैंकिंग पे इतना ज्यादा असर नहीं पड़ता है बैंक हमेशा चलते रहते हैं और एक और एग्जाम्पल है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड यानी समझ रहे हैं ना जो ग्रोसरी वगैरह है जैम है सॉस है मैगी है ये सब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड इनमें भी एक इनकम लेवल बना रहता है इनका भी कंपर्टेवली स्टेबल ऑपरेशन है तो ऐसे कंपनी के जो शेयर होते हैं ना उनको इनकम शेयर कहते हैं जैसे एग्जाम्पल के लिए एस हो गया पी हो गया नेस्ले हो गया ये सब इनकम शेयर है अगली हम बात करते हैं ग्रोथ शेयर अगला जो है दैट इज ग्रोथ शेयर नाम से ही समझ में आ रहा है ग्रोथ ठीक है नाम से ही समझ में आ रहा है ग्रोथ शेयर यानी ग्रोथ होगी यानी ये वो शेयर है जिनका ग्रोथ रेट हाई होता है एज कंपेयर टू द अदर शेयर ठीक है या कह लीजिए उस इंडस्ट्री का ही ये जो शेयर होते हैं जिस इंडस्ट्री के होते हैं ना उस इंडस्ट्री का भी ग्रोथ रेट हाई होता है ठीक तो तो है तो दैट कम्स अंडर ग्रोथ शेयर तो ग्रोथ शेयर बेसिकली वो स्टॉक होते हैं दैट हैव है रेट ऑफ ग्रोथ जिनका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है ठीक है देन द इंडस्ट्री ग्रोथ रेट यानी उस इंडस्ट्री के या बाकी इंडस्ट्री के ग्रोथ रेट के कंपेयर में जिनका ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा होता है जिसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है आई कंपनीज ठीक है आई इंडस्ट्री की बात करें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात करें तो कह लीजिए बहुत बड़ा बूम आया था मतलब अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है ऐसी है जहां पे जो रेट ऑफ ग्रोथ है दैट इज वेरी हायर एज कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्रीज जिसका एग्जांपल क्या है एचसीएल है विप्रो है इंफोसिस है ये सब है तो ये सब किस में आते हैं ग्रोथ शेयर में ठीक तो दो हो गए तीसरा क्या है डिफेंसिव शेयर तीसरा क्या है डिफेंसिव डिफेंसिव मतलब रक्षात्मक यानी वो शेयर जो कह लीजिए जो सेफ रहते हैं डिफेंसिव है यानी वो शेयर जो सेफ रहते हैं डिफेंसिव है रक्षात्मक है यानी वो शेयर जिनका मार्केट मूवमेंट का मार्केट में बहुत हेवी मूवमेंट हो मार्केट भले ही एकदम ऊपर नीचे हो ही पड़ी है लेकिन वो शेयर जिन जो उनका जिन पे मार्केट का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है जो अनअफेक्टेड रहती हैं मार्केट मूवमेंट से मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी है लेकिन कुछ शेयरों पे उसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है तो ऐसे शेयर को कहा जाता है डिफेंसिव शेयर डिफेंसिव का मतलब क्या है रक्षात्मक यानी वो शेयर जो अपनी रक्षा स्वयं करते हैं मार्केट में बहुत ज्यादा मूवमेंट हो मार्केट आज हजार पॉइंट नीचे हो जाए लेकिन उन शेयरों पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा जो अनएफेक्टेड रहते हैं बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है कुछ शेयरों पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है ना बट कुछ शेयर होते हैं जिन पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है इसका तो एग्जाम्पल है, क्या है फार्मास्यूटिकल स्टॉक जैसे जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है ठीक है उनकी डिमांड तो बताइए हमेशा बनी रहेगी ना मार्केट भले ही ऊपर हो नीचे हो बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो लेकिन कुछ जैसे जो दवा कंपनी है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उस पर क्या बहुत असर दिखता है उस पर बहुत ज्यादा असर नहीं दिखता है आपने देखा था कोरोना टाइम में मार्केट बहुत हैवी क्रैश हुआ था कोरोना टाइम में मार्केट बहुत ज्यादा हैवी क्रैश हुआ था और ठीक है इसलिए भी क्रैश हुआ था क्योंकि सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई थी डिमांड कम हो गई थी लोगों के पास जितने पैसे थे लोग बस चाहते थे कि जो नीड है जो जरूरत है वही फुलफिल हो बाकी चीजों की लग्जरी के पीछे नहीं जा रहे थे केवल जो अपनी जरूरत है उसी के लिए देख रहे थे बट आपने देखा उस समय कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है यानी जो दवाएं की कंपनी है क्या उस पर असर पड़ रहा था वो ऑलमोस्ट उसी पेज पे चल रही थी बहुत ज्यादा लॉस नहीं था उनमें क्यों क्योंकि दवाओं की तो जरूरत वैसे ही पड़ेगी ठीक है तो ये होते हैं डिफेंसिव स्टॉक डिफेंसिव स्टॉक में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल यही फार्मास्यूटिकल है चाहे वॉर जैसे इस समय दो दो वॉरें चल रही है चाहे इसराइल और उधर हमास की और उधर यूक्रेन रशिया की तो तब से चली रही है तो चाहे वॉर हो नेचुरल क्लामिटी आ जाए या कोई भी दिक्कत है इस टाइप की हो फार्मास्यूटिकल स्टॉक पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है दे आर अनफेक्टेड बाय मार्केट मूवमेंट तो ये क्या आते हैं ये आते हैं डिफेंसिव स्टॉक की कैटेगरी में जिसका एग्जाम्पल क्या है फार्मास्यूटिकल कंपनी का डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी है ग्लेक्सो स्मेथलाइन है और भी बहुत सारी कंपनीज है ठीक है सिप्ला हुई तो ये सब डिफेंसिव स्टॉक है अगला क्या है साइक्लिकल स्टॉक साइक्लिकल शेयर्स ठीक है साइक्लिकल तो साइक्लिकल शेयर क्या है साइक्लिकल स्टॉक बेसिकली देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है साइक्लिकल यानी जो बिजनेस साइकिल फॉलो करें देखिए नाम क्या है साइक्लिकल शेयर यानी वो शेयर जो बिजनेस साइकिल फॉलो करें यानी वो शेयर जिनमें क्या हो हायर वोलेटिलिटी होती है ठीक है वो शेयर जिनमें यूजुअली हैव हायर वोलेटिलिटी एंड आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस हायर रिटर्न ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इसका क्या मतलब है साइक्लिकल शेयर में वो शेयर्स आते हैं जो बिजनेस साइकिल को फॉलो करते हैं आपने देखा होगा कभी इकॉनमी में बहुत मतलब बढ़िया इकॉनॉमी चल रही है ग्रोथ है पर कभी नीचे कभी ऊपर ठीक है हमारी इकोनॉमी ऊपर नीचे साइक्लिकल मूवमेंट होता है बिजनेस साइकिल होती है तो साइक्लिकल शेयर में वो शेयर्स आते हैं जो जिनकी वोलाटिलिटी हायर होती है ठीक है एंड जो बिजनेस साइकिल फॉलो करते हैं यानी अगर हमारी इकोनमी इस समय बूम पर है ऊपर है तो ये शेयर भी ऊपर रहेंगे हमारी इकोनमी नीचे जा रही है बहुत जैसे कोरोना टाइम में बहुत मतलब शेयर मार्केट पूरा बिजनेस साइकिल का डाउनफॉल था तो उस समय वो शेयर भी डाउन हो जाते हैं फिर इकॉनमी अच्छे अच्छे फेज में है तो ये फिर से शेयर अप हो जाते हैं तो ये जो शेयर होते है न, है, होता है ना इनमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है इनमें मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है एंड जैसे जैसे बिजनेस साइकिल मूव करती है ये शेयर भी मूव करते हैं ठीक तो दिस इज साइक्लिकल शेयर इन्हें साइक्लिकल शेयर कहते हैं ठीक है एंड साइक्लिकल शेयर आर इफेक्टेड बाय बिजनेस साइकिल ये जो साइक्लिकल शेयर है बिजनेस साइकिल से इफेक्ट होते हैं जो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट होता है बिजनेस साइकिल का इफेक्ट दी शेयर ये जो बिजनेस साइकिल का अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट है ये इस शेयर को इफेक्ट करता है और इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, है ये जो स्टारबक्स है नाइकी है और भी जो बड़े बड़े जो फैशन के ब्रांड्स हैं ये सब इसका एग्जाम्पल है जब इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है बहुत बूम पर है तो लोग खूब शॉपिंग कर रहे होते हैं खूब बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जा रहे होते हैं लग्जरी लग्जूरियस प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं बट जब इकॉ तो इसलिए ऐसी कंपनी खूब फ्लरिश हो रही होती है <coughs> जब इकोनॉमी डाउनफॉल में होती है तो क्या होता है लोग भी अपने पैसे बचा रहे होते हैं महंगे महंगे रेस्टोर में जाना फैशन के प्रोडक्ट खरीदना लोग कम कर रहे होते हैं ठीक है तो साइक्लिकल शेयर में यही होता है जब इकोनॉमी अप तो ये कंपनीज भी अच्छा परफॉर्म करती है इकोनॉमी डाउन तो ये कंपनी भी नीचे हो जाती है तो दिस इज साइक्लिकल शेयर नेक्स्ट और जो लास्ट जो पांचवा कैटेगरी है शेयर का दैट इज स्पेकुलेटिव शेयर अगला क्या है स्पेकुलेटिव स्पेकुलेट करना यानी तुक्केबाजी यानी सट्टेबाजी स्पेकुलेट करना ठीक है तुक्का लगाना स्पेकुलेटिव तो इस स्पेकुलेटिव शेयर बेसिकली वो आ, इस कैटेगरी में वो शेयर आते हैं जिनमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है ठीक है लेकिन अगर फायदा हुआ ठीक है नुकसान होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है और फायदा होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है ठीक है तो दैट इज स्पेकुलेटिव शेयर ये स्पेकुलेटिव शेयर होते हैं जो कभी तो एक दो रुपए पे चल रहे हैं और कभी अचानक एकदम शूट करके पचास रुपए पे हो जाए ठीक है तो ये होते हैं स्पेकुलेटिव शेयर देखिए मैंने लिखा है दिस इज कैरेक्टराइज बाय एक्सट्रीम रिस्क ये जो स्पेकुलेटिव शेयर होते हैं इनमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है लेकिन प्रॉफिट होने की संभावना अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट भी एकदम एक्सट्रीम एक लेवल पे होगा ठीक है क्यों क्योंकि आपने रिस्क बहुत ज्यादा बियर किया था ना तो उसी के बदले में अगर प्रॉफिट होगा तो एक्सट्रीम लेवल का प्रॉफिट होगा तो वही आता है स्पेकुलेटिव शेयर की कैटेगरी में ऐसे शेयर्स में क्या होता है स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग होती है यानी जितने सट्टेबाज होते हैं ना इन्हें जेड कैटेगरी के शेयर कहा जाता है जितने सट्टेबाज होते हैं ये स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग कर रहे होते हैं ठीक अभी तो या तो रिस्क बहुत कम मतलब या तो इन शेयर की वैल्यू बहुत कम होगी ठीक है पर शूट की तो एकदम एक्सट्रीम रिटर्न दे जाएगी तो ये होते हैं स्पेकुलेटिव शेयर इसका एग्जाम्पल क्या है इसका एग्जाम्पल जैसे एक है बहुत बढ़िया की सपोज करिए कोई नई ऑयल कंपनी है ठीक है एक नई ऑयल कंपनी स्टैब्लिश हुई है ठीक उसने कुछ ऑयल वेल कुछ फाइंड आउट किए हैं किसी एरिया में तो अगर वो ऑयल वेल से ऑयल निकालने में सक्सेसफुल हो गई ठीक तब तो एकदम एक्सट्रीम रिटर्न एकदम एक्सट्रीम प्रॉफिट हो जाएगा लेकिन अगर वो जो नई जो ऑयल कंपनी इस्टेब्लिश हुई है अगर वो ऑयल वेल या ऑयल ही नई फाइंड आउट कर पाई तो क्या होगा इसके शेयर की वैल्यू एकदम फॉल कर जाएगी तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा स्पेकुलेशन है पूरे बाजी है हो हो गई इसको अच्छे मिल गए और इनसे निकाल लिया इसने उसको तो 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 फिर तो खूब बढ़िया बट अगर नहीं कर पाई तो इसका रिटर्न एकदम क्या होगा नीचे चल जाएगा तो ये एग्जाम्पल है स्पेकुलेटिव शेयर्स के जैसे बायोटेक के माइनिंग के शेयर्स ये सब जो है इसमें हाई पोटेंशियल होता है ड्रामेटिक सक्सेस का या फेलियोर का या तो एकदम सक्सेस हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे तो एकदम ड्रास्टिक मतलब एकदम ड्रामेटिक या तो बहुत हाई अप या बहुत हाई बहुत नीचे लो हो जाएंगे या तो एकदम अप हो जाएंगे या एकदम लो हो जाएंगे तो ऐसे टाइप के जो शेयर होते हैं उन्हें कहा जाता है स्पेकुलेटिव शेयर ठीक तो आज हमने पढ़ा बहुत टाइप के इन्वेस्टमेंट आपने देखा हमने आज पढ़ा निगोशिएबल सिक्योरिटीज नॉन निगोशियेबल सिक्योरिटीज पढ़ा वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी में हमने इक्विटी शेयर पढ़ा और इक्विटी शेयर पांच टाइप के होते हैं हमने ये पढ़ा तो आज हमने इतना पढ़ा है ठीक अगले लेक्चर में अब मैं आपको फिक्स इनकम सिक्योरिटीज के जो सिक्योरिटी पॉइंट है ना इनको डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में फिक्स सेकुर्टी। सेकुर्टी में इनकम इनकम सिक्योरिटी 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 आता है फिक्स तो वो अब हम अगले लेक्चर में ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे ठीक है तब तक मैंने जितना पढ़ाया है उतना पढ़ के रखिएगा राइट अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिएगा एंड प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा ओके चलिए मिलते हैं गॉड ब्लेस यू